सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज के प्री मार्केट एनालिसिस पे हम लोग देखेंगे मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, डॉट टू डॉट लेवल हम लोग ड्रॉ करने के लिए कोशिश करेंगे। और ऐसे भी आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो उसका हीरो जीरो का ट्रेड किस डायरेक्शन में मिल सकता है, मार्केट का बिहेवियर क्या होने वाला है, वो हम लोग कोशिश करेंगे प्रेडिक्ट करने के लिए। देखो, मार्केट पर कोई भी चीज 100% नहीं है। मैं भी अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ, मुझे जो लगता है वही मैं व्यू शेयर करता हूँ। होपफुली आप लोगों को उससे रिजल्ट मिल रहा होगा। अगर कभी कभी रेंज बाउंड हो जाता है, डॉट टू डॉट लेवल मार्केट काम नहीं करता, बिकॉज उस लेवल तक तो मार्केट पहुंच नहीं पाता, बट उसके बाद वाला लेवल वही सेम लेवल को रेस्पेक्ट करता है। ऑलरेडी मैंने कल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो पे ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है? आप भी वही चीज देखना, बिकॉज बीच बीच पे ऐसे मार्केट 30 पॉइंट 40 पॉइंट रेंज पे निफ्टी रह जाएगा, वो मार्केट उस टाइम केसेस में आपको सरवाइव करना होगा। अदरवाइज आप क्या करते हो ना, आप ट्रेड ले लेते हो, आपने सपोज एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया, एक बड़ा सा कैंडल बनाएगा, दिखेगा कि नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप देखे आपको लगेगा मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, पोजीशन काट के इमीडिएट आप कॉल साइड के लिए ट्रेड लोगे, मार्केट रिवर्स आला के लास्ट में वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप ट्रेड डाउन साइड के लिए ट्रेड लोगे, फिर मार्केट ऊपर चल जाएगा। तो ऐसे केसेस में मार्केट 30 पॉइंट रेंज पे रहेगा, बट मार्केट आपका हर एक डायरेक्शन में स्टॉप लॉस हिट करेगा। अगर ऐसे आप स्टॉप लॉस ट्रेड करो तो फिर आपका अकाउंट खाली होने का चांसेस है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप किसी एक सेटअप पे आप ट्रेड बना रहे हो, वो ट्रेड का जब तक आपको सपोज आपने ट्रेड ले लिया और आपका एसएल हिट हो गया, तो इमीडिएट आपको ट्रेड नहीं लेना, एक वेट करना, एक प्रॉपर टाइम आपको, एक स्पेसिफिक टाइम तक वेट करो, नया सेटअप बनेगा तभी आप ट्रेड पोजीशन बनाना। आपने अगर कॉल साइड के लिए ट्रेड लिया और मार्केट नीचे जा रहा है, तो वेट करो, मार्केट फिर से जब ऊपर आएगा तब आप ट्रेड पोजीशन बनाओ। अगर आपका सेटअप के हिसाब से आपको नेगेटिव साइड पर ट्रेड मिल रहा है, तब आप ट्रेड पोजीशन बना सकते हो, बट इमीडिएट ट्रेड लेना वो आप इमोशनली डिसीजन लेते हो कि मेरा तो एसएल हिट हो गया, अब तो मार्केट नीचे चल जाएगा, मैं ऊपर साइड पर ट्रेड ले लूंगा, ये आपको नहीं करना, ठीक है? तो आज क्या मार्केट का एनालिसिस देखेंगे, कैसे क्या मार्केट बिहेव कर सकता है, एंड फिर निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। और मेरे हिसाब से जो है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये चार्ट अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये जो कंप्लीट आप चार्ट देख रहे हो, इस चार्ट को मैं इसको हटा रहा हूँ। हटाने के बाद मैं आपको इसको थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, जैसे कि 12 मिनट 15 मिनट ऐसे कुछ आपको लेके जाना होगा। एंड उस बेसिस पे अगर मैं आपको यहाँ पे जूम आउट करके दिखाता हूँ ना, जैसे मैं आपको पहले भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड का ऑलरेडी ये डेड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो मार्केट मार्केट ऊपर गया था ना, ये नीचे साइड पे होगा, बट ये बहुत पुराना डाटा है, उसको हम लोग नहीं देखने वाले। ये जो है बायर्स, ये डेड हो चुके थे। अभी अगर सेलर्स के बात करते हैं, यहाँ से अगर आप इस पॉइंट तक आप कंसिडर करते हो, तो ये सेलर्स एक्टिव है, बिकॉज इसका 0.5 0.5618 के ऊपर मार्केट अभी तक गया नहीं था, तो ये सेलर्स एक्टिव था। एंड सेम चीज अगर आप यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करते हो, ये कंप्लीट मोमेंटम आप देखते हो, स्टील मार्केट ये 0.5 एंड 0.618 तक आया नहीं मार्केट, ठीक है। तो ये कंप्लीट ट्रेंड का 0.5 0.618 का जोन जो है यहाँ पे 18,000 19,800 पे, ठीक है। तो मार्केट को और भी 200 300 पॉइंट का मार्केट को मोमेंटम करना चाहिए, ठीक है। तो अभी का सिचुएशन अगर हम लोग देखें, ये तो मैंने आपको एक लेवल ड्रॉ कर दिया, ये टॉप से बॉटम तक लेके इसका 0.5 एंड 0.618 लेवल ड्रॉ कर दिया। अगर हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे, हम लोग अगर ओनली इसी को कंसिडर करें, ठीक है, यहाँ से ये जो मार्केट आप देख रहे हो, इस पॉइंट से मार्केट जो नीचे गिरा था, तो मैं क्या करूंगा ना, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट से बॉटम तक मैं कंसिडर करने के लिए कोशिश करूंगा। एंड उसका जो 0.5 एंड 0.618 का लेवल को मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो, इसके ऊपर मार्केट ऑलरेडी जा चुका है, दैट मीन्स ये जो है ना, ये सेलर्स अभी तक अगर निकले हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी निकले हैं ना, तो इनके मन में एक डर रहेगा, ठीक है, बिकॉज इनका ऑलरेडी आधा से ज्यादा प्रॉफिट कम हो चुका है। सपोज कोई भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा ना, मार्केट उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया था, जब मार्केट इसका 50% 60% से ज्यादा प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, ये लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, इनको इमोशनली डिसीजन लेना नहीं पड़ता है, तो मार्केट जो 50% से ज्यादा इनका प्रॉफिट कम हो जाता है ना, ये लोग आइदर वहाँ पे एवरेजिंग करते हैं या फिर वहाँ से पोजीशन काटने के लिए कोशिश करते हैं। अगर आप देख रहे हो 0.5 0.618 के ऊपर मार्केट सस्टेन करा, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है या गैप अप ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जैसे ये हाई को निकलेगा ना, तो इनके मन में एक स्ट्रांगनेस दिख के डर लगेगा और पोजीशन काटने के लिए कोशिश करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट है, जैसे थोड़ा ऊपर निकलेगा ना, ये सेलर्स जो बैठा है, ये जो सेलर्स बैठा है, ये जो सेलर्स, ये लोग भागेंगे, सब पोजीशन काटेंगे। जैसे पोजीशन काटेंगे ना, तो मार्केट एक ऊपर साइड का मोमेंटम होगा, और जैसे ऊपर साइड पर मोमेंटम मिलता जाएगा, वैसे ही यहाँ पे ये लोग भी डरते जाएंगे और ऊपर साइड पर एक फास्ट मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। वो मोमेंटम कहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, 19,809 तक। ये क्या है, ये कंप्लीटली जो
मेजर ट्रेंड है ना, उस मेजर ट्रेंड का ये मतलब 0.5 एंड 0.618 का लेवल है, तो इसी जोन से मार्केट में भी रिवर्सल हो सकता है। अभी डिपेंड करता है मार्केट ओपनिंग कहाँ पे होता है। अगर गिफ्ट निफ्टी के बात करते हो तो मार्केट ऑलमोस्ट अभी का सिचुएशन कैसे फ्लैट दिख रहा है, अगर थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो गैप डाउन खुल सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है ठीक है, तो अगर गैप डाउन खुलेगा यहाँ पे और इस जोन को तोड़ेगा, ये जो आप देख रहे हो कौन सा लेवल है, 19,476 का लेवल है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे जाता है, स्ट्रांगनेस दिखाता है, ये रिट्रेसमेंट पे आप एक डाउन साइड के रिलेटेड पोजीशन बना सकते हो। वो लेवल कहाँ तक तो जाएगा, अगर आप देखते हो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था फिर नीचे आया था और उसके बाद मार्केट ऊपर गया रिट्रेसमेंट लिया ऊपर गया रिटर्न, तो मैं क्या करता हूँ ना, इस पॉइंट से यहाँ तक मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक लेवल। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट से यहाँ तक मैंने एक लेवल कंसिडर कर दिया, उसका 0.5 एंड 0.618 का जोन मिल गया मुझे यहाँ तक। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग ये मेजर ट्रेंड का 0.5 एंड 0.618 को कंसिडर करें। अभी इसको हम लोग रहने देते हैं क्योंकि मेरा व्यू थोड़ा सा ऊपर साइड के लिए, बुलिश साइड के लिए है। ठीक है, तो अगर मार्केट इधर कहीं पे फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल के यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है या फिर यहाँ से सॉलिड निकलता है और इसके हाई को जैसे ब्रेकआउट करेगा, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर ब्रेकआउट करता है तो इनको पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, तो मार्केट एक अपसाइड का फास्ट मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके लिए। अभी अगर मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ, जैसे इंडिया विक्स का सिचुएशन है, तो हम लोग डॉट टू डॉट लेवल भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे इंडिया विक्स अगर हम लोग देख रहे हैं तो प्रीवियस दिन का क्लोजिंग है 11.10। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैलकुलेटर को ओपन करूंगा। ओके, देन 11.10 को हम लोग डिवाइड करेंगे किसके साथ, 19.1 के साथ। ठीक है, ये क्यों करते हैं आपको पता है, हम लोग ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, 58% का लेवल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे निफ्टी का और एक मैं यहाँ पे चार्ट खोल लेता हूँ। ये जो लेवल आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, एक निफ्टी का एक चार्ट खोल लूंगा, निफ्टी का लेवल मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगा एंड आपको इसका भी मैंने फिर निफ्टी का भी लेवल मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगा। ठीक है, और ये सब लेवल जो है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। तो निफ्टी का लेवल पहले देखते हैं, जैसे कि प्रीवियस दिन का हमें पता है प्रीवियस दिन का क्लोजिंग लेवल क्या है, अगर आप देखते हो 411 है, स्लिपेज वैल्यू क्या है 411 वही है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो लेवल आप देख रहे हो इसको मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करने वाला हूँ 411 पे। इसके बाद हम लोग का जो रिजल्ट निकला था कितना, 58% का, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ पे अगर आप देखते हो 58% में एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो 0.58%, वही 58% है, वहां तक मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर दिया, सेम चीज मैं इसके ऊपर भी एक करने वाला हूँ। यहाँ से ऊपर साइड पे अगर मैं देखता हूँ एक 58% का लेवल जो है, ये एक लेवल है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों का 50% लेवल को मैं डिवाइड कर दूंगा। यहाँ से यहाँ तक जो 58% है उसको मैंने आधा कर दिया यहाँ पे। सेम चीज यहाँ से ये जो ऊपर से नीचे तक जो 58% है इसको भी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको 50% में कन्वर्ट कर देने वाला हूँ। ठीक है, सही वैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे साइड पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 58% कहाँ पे बन रहा है, ये हमारा 58% लेवल है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। एंड उसके बाद इसका आपको क्या करना है, इसको फिर आधा कर देना। ठीक है, 0.5 इसको भी कर देना, तो आप इसका 50% पे आप लेवल ड्रॉ कर दे। सेम नीचे साइड पे और कर लो, बिकॉज हमें पता नहीं मार्केट कितना बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा। ठीक है, नो डाउट मार्केट एक पॉइंट रेंज के अंदर ही रहने वाला है, तो फिर भी आप अपना सेफ्टी के लिए आप ये सब लेवल ड्रॉ कर दो। ठीक है, बिकॉज हमें अगर बड़ा गैप डाउन हो जाएगा या फिर बड़ा गैप अप हो जाएगा तो मार्केट जो उसके ऊपर वाला एक्सटेंडेड लेवल है ना वो काम करने वाला है। ठीक है, तो ये सारा चीज आप देखना, ये एक एक लेवल काम करने वाला है। एंड इसके साथ जो मैंने आपको बोला ये फिबोनाची का, ये तो आपको फिर निफ्टी का है। ठीक है, तो ये डॉट टू डॉट निफ्टी का आप देख लेना। एंड निफ्टी के लिए भी अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये 12 मिनट का चार्ट है। एंड वैसे ही अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये टॉप पोजिशन है जहां से मार्केट नीचे गिरा था, ये टॉप पोजिशन से अगर मैं ये बॉटम पोजिशन तक कंसिडर करता हूँ, 0.5 एंड 0.618 का जोन तक कंसिडर कर रहा हूँ, तो देखो ये हमारा 0.55 के ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, अगर ये 0.55 के ऊपर सस्टेन करता है, ये 0.55 कौन सा लेवल है, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा एक लेवल जोन बना देता हूँ, ये जोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम करेगा। अगर मार्केट नीचे जाता है तो उस केसेस में आप क्या करोगे, ये जो मार्केट ऊपर गया था उसके बाद एक रिट्रेसमेंट दिया था यहाँ पे ये बॉटम लेवल तक, ये बॉटम से ये टॉप तक लेके आप फिप को ड्रॉ करोगे, उसके लिए आपके सपोर्ट लेवल कौन सा होने वाला है, ये एक सपोर्ट लेवल होने वाला है।
ठीक है, तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुल के मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर साइड के लिए जाने के लिए कोशिश करता है तो मैं अप साइड के लिए पोजिशन बनाऊंगा, तो ये सब लेवल काम करने वाला है। अगर मार्केट इसको सॉलिड ब्रेक डाउन करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाता है तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड पोजिशन बनाने के लिए कोशिश करूंगा और ये सपोर्ट लेवल तक मैं टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा। बट डिपेंड करता है मार्केट कैसे क्या बिहेव करेगा, एक एक लेवल को आपको देखते जाना। जितना लेवल मैंने आपको इस साइड पे ड्रॉ करके दिखाया ये सब आप अपने चार्ट पे बना लेना, ठीक है। सेम चीज मैंने आपको फिर निफ्टी का भी लेवल दिखा दिया, ठीक है। फिर निफ्टी का डॉट टू डॉट लेवल अगर बात करते हो, यहाँ से भी आप 58% करके अप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको वहां पे बैंक निफ्टी पे ड्रॉ निफ्टी में ड्रॉ करके दिखाया, वही चीज आप यहाँ पे फिर निफ्टी पे भी करना। कैसे, यहाँ पे जो प्रीवियस दिन का क्लोजिंग है इस लेवल से आप 58% आप ड्रॉ कर लो, कहाँ पे बन रहा है इसका 58% बन रहा है यहाँ पे एक लेवल मेंशन कर देना। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो लेवल पे आप क्लोज करें यहाँ से फिर से 58% का आप एक लेवल ड्रॉ कर देना, ठीक है। आपको ये लेवल मिलेगा उसका आधा आधा आप कर देना, ठीक है। आप खुद भी ये सब चीज कर सकते हो, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ, और लेवल वगैरह जो रहेगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और ये जोन की बात करते हो, ये जोन का लेवल अगर आप देखोगे, मैं इसको जोन को लेवल बना देता हूँ, आप देख लेना ये जोन के अंदर इसके नीचे मतलब क्या है, इसके ऊपर रहेगा तो मार्केट बुलिश है यहाँ से यहाँ तक, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो ये टारगेट लेवल होगा। तो मैं ये जो जोन है ना इस जोन को मैं लेवल बना दे रहा हूँ ताकि आपको ये इसका वैल्यू दिख जाएगा, ठीक है। ये एक हो गया, सेम चीज आपको ये डाउन साइड पे ये सपोर्ट लेवल दिखना है, वैसे ही मार्केट बिहेव कर सकता है। एंड अगर आप बात करते हो ना स्टॉप लॉस की बात करते हो, आज एक्सपायरी दिन है तो उस बेसिस पे अगर आप देखते हो मार्केट के लिए ये टॉप से बॉटम तक देख रहे हो ऑलरेडी 0.55 के ऊपर है। अगर मार्केट इसको टारगेट करेगा ना तो एक फास्ट मोमेंटम देगा, अगर मार्केट नीचे साइड पे टारगेट को मतलब करने वाला है तो इसके नीचे हम लोग ये स्टॉप लॉस ये स्टॉप लॉस ये स्टॉप लॉस ये स्टॉप लॉस जो डाउन साइड पर स्टॉप लॉस पड़ा है उसको मार्केट लेने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे कुछ लेवल ड्रॉ किए, एक मेजर ट्रेंड का कंप्लीटली मेजर ट्रेंड का 0.5.618 का जोन ये है, और ये एक जोन हमें ये जो माइनर ट्रेंड है इसका 0.5.618 को मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग बुलिश सोचेंगे, यहाँ पर रिजेक्शन दिखाएगा तो बियरिश सोचेंगे, इसके नीचे हम लोग बियरिश सोचेंगे अंटिल दिस लेवल, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो उस केसेस में हम लोग ये जो बॉटम लेवल है ये बॉटम से टॉप तक जहां तक मूवमेंट हुआ उसका लेवल को हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज होगा फिर निफ्टी का इंपोर्टेंस लेवल, एक्सपायरी दिन है तो अच्छे से ट्रेड करना, और ओवर पोजीशन मतलब जैसे आपके लिमिट से बाहर आप ट्रेड मत लेना, बिकॉज कभी कुछ भी हो सकता है, कभी ब्रोकर आजकल अगर आप देखोगे मतलब फ्रीज हो जाता है ट्रेड करने के लिए, आप एग्जिट नहीं कर पाते हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप अगर आप लिमिट से ज्यादा ट्रेड लोगे आपका ट्रेड प्रॉफिट भी चल रहा होगा तब भी आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज प्रॉब्लम तो कॉमन है, और आप जब आप ट्रेड कर रहे हो तो पोजीशन साइजिंग को मैनेज करने के लिए कोशिश करना, ठीक है। और ये लेवल जो भी मैंने बताया है ये लेवल पे आप ध्यान देना। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन भी कमेंट करना, बिकॉज आपके एक एक पॉजिटिव कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देता है। बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे 6:30 हो रहा है, मतलब यहाँ पे दुबई का टाइमिंग के हिसाब से 5 आप लोगों के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत, जैसे मैं लाइव ट्रेड पोजिशन शेयर नहीं कर पाता हूँ तो इसलिए मैं प्री मार्केट लेवल अगर मैं बता दूंगा तो उस बेसिस पे कुछ लोगों का एटलीस्ट हेल्प हो जाएगा एंड अच्छे से लोग ट्रेड कर पाएंगे। तो यही चीज मेरा मोटिव है आप लोग को इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना। अगर ऐसा ये मोटिव नहीं होता तो मैं आप लोग को कैसे ड्रॉ कर रहा हूं वो नहीं दिखाता, मैं ओनली आपको लेवल दे देता कि बस आप मतलब अंधाधुन आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, लेवल पे काम करो। भाई आपको भी पता होना चाहिए मैं लेवल कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, उस लेवल पे आप कैसे ट्रेड रिएक्ट करना चाहिए। और ये डॉट टू डॉट लेवल आप कुछ भी करो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज इसकी इसका पुराना मैं 1 साल से ज्यादा बैक टेस्टिंग कर चुका हूं और हर एक दिन मार्केट काम करता है। जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है छोटा सा पॉइंट पे रह जाता है तो उस दिन तो आपको देखना पड़ेगा बिकॉज मार्केट किसी डायरेक्शन मूवमेंट नहीं करेगा, बट ट्रेंड आप आराम से पकड़ सकते हो। उसके साथ मैंने आपको फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ, 5 मिनट 12 मिनट के अंदर आपको ड्रॉ करके कैसे देखना है, फिबोनाची का कौन कौन सा इंपॉर्टेंस लेवल है इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं। तो आप अगर पुराना सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही, अगर न्यू हो तो आप पुराना वीडियो सब देखना ताकि आप लोग को ये सारा चीज पता चलेगा। होपफुली वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।